वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। आज हम बहुत ही कम तेल और कम इंग्रेडिएंट्स से एक बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाने वाले हैं, जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, और वो है मटर के उत्तपम। तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हम एक कप मटर लेंगे, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम लेंगे, 1/2 कप सूजी लेंगे, 1 हरी मिर्च लेंगे, 2 टेबलस्पून दही लेंगे, 1 मीडियम साइज प्याज लेंगे और 4 से 5 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। अब सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें मटर डाल देंगे। मटर के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। इसके बाद हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसकी हम फाइन पेस्ट बना देंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद कैप्सिकम डालेंगे और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब जिस मिक्सर जार में हमने मटर क्रश किए थे उसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर वो पानी हम इसमें डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हमें इसमें थोड़ा और पानी डालने की ज़रूरत है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका हमें गाढ़ा बैटर बनाना है। हम सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे और मिक्स करने के बाद चेक करेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे। देखिए हमें इसका ऐसा गाढ़ा बैटर बनाना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसके ऊपर हम 1 टीस्पून जितना पानी डालेंगे ताकि सोडा अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। अब फिर से हम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सूजी के बैटर को रेस्ट देने से सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। हमारा बैटर तैयार है। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेके इसे गर्म करेंगे और गर्म होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। और इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम पैन के अंदर बैटर डालेंगे और इसे थोड़ा फैला देंगे। देखिए इस तरह से हम हल्के हाथों से बैटर को फैला देंगे।
अब हम इसे ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर इसे चेक करेंगे। देखिए साइड्स पर से हमें पता चलता है कि ये पक चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि जब हम इसे पलटे तो ये नीचे की तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाए। अब हम उत्तपम को दूसरी तरफ पलट देंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। चार मिनट के बाद हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो तैयार है हमारा कम तेल में बनने वाला हेल्दी और टेस्टी मटर के उत्तपम। इसे आप दही और टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए। ऐसे ही नई नई रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।